उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक पिता ने अपने 9 साल की मासूम बेटी की महज इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसका मोबाइल घर में नहीं मिल रहा था। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मामला किशनी थाना क्षेत्र के गांव अलवालपुर मड़ैया का है। यहाँ मुकेश अपने परिवार के साथ रहता था। हाल ही में उसकी पत्नी घर छोड़कर अपने मायके पंजाब चली गई थी। मुकेश के 6 बच्चे हैं। कुछ समय के बाद मुकेश अपने 2 बच्चों को अपने साथ मैनपुरी ले आया था। वह रोज शराब पीकर घर आता था। मंगलवार की देर शाम शराब के नशे में धुत होकर मुकेश ने अपने बेटे मिथुन की गला दबाकर हत्या कर दी थी। उस समय 4 साल की मासूम बेटी पलक पास ही खड़ी थी। वह यह खौफनाक मंजर देखकर दहशत में आ गई। बच्ची की चीख पुकार सुनकर दूसरे मकान में रह रहे दादा दादी और अन्य गाँव के लोग मौके पर पहुंच गए। इस बीच आरोपी मौके से भाग निकला। हत्या की जानकारी मिलते ही माँ विजया कुमारी अपने बच्चों के साथ पंजाब से गाँव आ पहुंची। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव गाँव पहुंचा परिजनों में चीख पुकार मच गया। बाद में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कैसे मौत हुई, क्या हुआ, पूरी बात बताओ। मुकेश ने गला दबा के मार दिया, हमारी नातिन ने बताया। मुकेश कौन है? मिथुन का पिता। मतलब पिता ने ही अपने बच्चे को मार दिया है? कैसे, क्या आपको कैसे जानकारी मिली? हमारी छोटी भी नातिन है, वो मिथुन की बहन, उसी ने बताया। तो पिता को पकड़वा दिया है क्या? हाँ, पिता को पकड़वा दिया।